एंड ये जो स्कैम है ये पुलिस के साथ भी हुआ है, तो अगर ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी पुलिस या को हायर ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच रही है, तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि कुछ करो इसके बारे में। एटलीस्ट ये चीज़ें तो देखो ताकि मतलब कुछ लाइक मासूम लोगों का जो पैसा है कमाया हुआ मेहनत से वो वेस्ट नहीं हो। बिकॉज उसने एक वीडियो में एक ऑडियो में क्लेम किया है कि उसने पुलिस वालों को भी लूटा है, ठीक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते और उसने किया है ऐसा, बताओ पुलिस वालों से लोग डरते नहीं है ऐसा वो बोल रहा है। तो अगर किसी के पास ये वीडियो पहुँच रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग एंड फाइंड देम आउट, अगर पॉसिबल है तो ढूंढो निकालो और बंद करो ये सब, ठीक है। थैंक यू। सो गाइस हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया तो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ उसके लिए सॉरी। एंड ये जो वीडियो है ये भी शायद मैं नहीं बनाने वाला था, बट ये जो स्कैम हो रहा है, ठीक है, बेसिकली ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और इवेंचुअली एक लास्ट जो स्कैम है मेरे साथ भी होने वाला था, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से पता था तो मैं बच गया उससे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो शायद कुछ लोगों का, आई डोंट नो कितने लोगों तक जाएगा ये, बट जितने भी लोगों तक पहुंचेगा एटलीस्ट उनके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या, तो ये कुछ लोग हैं जो आपको लाइक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं या फिर पेटीएम या फिर लाइक फ़ोनपे है गूगल पे, इसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करते हैं, देन आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास कुछ केसेस हैं, ठीक है, जो हुए हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो वो सारे स्कैम्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, ठीक है। सो एक जो स्कैम था वो मेरे एक रिलेटिव है जिनकी एक्चुअली एक स्वीट्स की शॉप है, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको कुछ लाइक स्वीट्स का ऑर्डर आया था एंड एक इनिशियल पेमेंट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट भेजता है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। उसमें एक रिक्वेस्ट फीचर होता है फ़ोनपे में जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं कि सामने वाले से पैसा रिक्वेस्ट करते हैं और अगर सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता तो उतना पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। ये जो फीचर है काफ़ी लोगों को पता है लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। जो भी स्कैमर था उसने ओनर था उसको रिक्वेस्ट भेजा तो उसने एक्सेप्ट किया तो उसके 10 रुपये डिडक्ट हो गए एंड उसने बोला था कि मैं 5 रुपये भेज रहा हूँ तो उसने वापस से 15 रुपीज़ भेज दिए। तो उसको भी लगा कि शायद से ऐसा कोई फीचर रहेगा जिससे मतलब पहले इनिशियल पैसे कटते और फिर वापस जो ऊपर के पैसे वो आ जाते हैं, ऐसा कुछ फीचर रहेगा एग्जैक्टली। और उन्होंने बोला कि वो लोग कुछ तो लाइक एयरफोर्स या फिर लाइक आर्मी फोर्स है तो इनका ऐसे ही फीचर है करके, ठीक है। तो उनको भी विश्वास हो गया एंड देन उन्होंने उसने कंटिन्यूसली बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे और उनको बोला कि एक्सेप्ट करने को, यानी क्योंकि उनको उस फीचर के बारे में बोला पता नहीं था, उन्होंने फटाफट जो है एक्सेप्ट कर लिए और उनके अकाउंट में जितने पैसे थे, ठीक है, जितने वो एक्सेप्ट करते गए और जितने थे तब तक वो करते गया, फिर फाइनली जो रिक्वेस्ट था वो उनके में बैलेंस बचा नहीं तो फिर वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से उनके 7,000 का उनके साथ जो है स्कैम हुआ और 7,000 रुपीज़ चले गए, ठीक है। उन्होंने जाके कंप्लेन भी किया पुलिस को बट पुलिस ने बोला कि उनको कुछ तो राइटिंग में चाहिए, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मेरे को जैसे उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली पुलिस में नहीं गया था तो मैं बोल नहीं सकता, बट फिर भी मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि वो पुलिस में गए थे तो उन्होंने बोला कि राइटिंग में चाहिए, तो फिर वो ये कि कौन राइटिंग में देगा, फिर उनको फॉलोअप करना पड़ेगा बार 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 और उसमें उनका टाइम वेस्ट और जाएगा, तो उससे अच्छा है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। और पुलिस वाले ने भी बोला कि एक्चुअली आपकी गलती, एक्चुअली गलती उनकी है बिकॉज उनको फीचर नहीं पता था, बट इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये जो फीचर इसके बारे में पता चले और आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम ना हो, ठीक है। एक सेकंड स्कैम जो है और रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, उसको एक्चुअली अपने गांव जाना था तो उसको टिकट बुक करना था, तो उसने ऑनलाइन जो नंबर है वो निकाला एंड वो जो नंबर है मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। उसका एक चैट भी है जो मेरा चैट हुआ है वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप वो चैट पढ़ लो। एंड हुआ क्या था बेसिकली कि उसको ऑनलाइन टिकट बुक करना था गांव जाने के लिए और कीमत जो ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास थी, तो उसने बोला कि ठीक है चलो मैं पे कर दूंगा, तो उसने बोला कि पहले ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा उसके बाद आपको जो टिकट्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसने पे कर दिया बट उसके बाद उसको टिकट्स मिले नहीं और वो बंदा फिर ना तो फ़ोन उठा रहा था और ना लाइक मैसेज रिसीव कर रहा था, कुछ भी नहीं, उसने ब्लॉक कर दिया था बेसिकली। फिर मेरे को मेरे फ्रेंड ने वो जो नंबर दिया और मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया या कॉल किया तो उसने सामने से मेरे को रिवर्ट किया एंड उसने बोला कि हाँ टिकट्स वगैरह का हो जाएगा, आप मेरे को 50% एडवांस दे दो एंड ऑल, ऐसे वो बोलने लगा, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं एडवांस नहीं दूंगा, आप पहले टिकट दे दो, तो नहीं, लेकिन उसका मतलब ये था कि वो नंबर अभी भी चालू है एंड कंटिन्यू हो रहा है। उसकी मॉम ने जो है एक वीडियो पे ये कमेंट भी किया था कि उनके साथ ये स्कैम हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दिया ताकि ज़्यादा लोगों को लाइक हेल्पफुल रहे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल, एंड ये नंबर है जिससे वो बंदा स्कैम कर रहा है एंड ये कुछ मैसेजेस है जो मैंने वो स्कैम होने के बाद उससे वापस बात किया और वो ऐसे ही और लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है और लूट रहा है ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है, जब सबको लाइक हेल्प की ज़रूरत है तो ऐसे कुछ लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनली लाइक मैं फिर भी इग्नोर कर रहा था एंड एक्चुअली ये जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ उसका मैं वीडियो बनाने वाला था और बनाने से पहले मेरे को एक कॉल आया, ठीक है, एंड उस कॉल में वो लोग मतलब मेरे को एक एक्चुअली मैसेज रिसीव हुआ, ये मैसेज जो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे,
तो मैसेज में ऐसा दिया है कि आपका जो केवाईसी है पेटीएम का वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए अगर आपको लाइक कॉल करना है या रिकवर करना है तो आप इस पे लाइक कॉल करो। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया था, उस टाइम पे तो उस आदमी ने जो फ़ोन है वो उठाया नहीं, एंड कुछ टाइम के बाद उसने मेरे को फिर से कॉल किया। ठीक है, अभी इस कॉल का जो टोटल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो मैंने बात किया था, ठीक है, जब मुझे लगा कि स्कैम है तो मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं इसके वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप सुन लेना, ठीक है, अगर आपको लाइक सुनना हो तो। तो उसने मेरे को बेसिकली क्या बोला कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, तो आपको लाइक उसका केवाईसी रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्या करना है मुझे बताओ, तो मैं करता हूँ। मुझे तो एक्चुअली मेरा तो नहीं है पेटीएम, बट मेरे डैड का है, ठीक है, और उसने मेरे नंबर पे फ़ोन किया, तो मुझे वहीं पे थोड़ा बहुत लगा कि ऐसा कुछ तो है स्कैम, बट स्टिल मैंने बोला चलो शायद हो सकता है जेन्यून हो सकता है डैडी का, क्योंकि लाइक उन्होंने अपने फ़ोन पर रखा नहीं पेटीएम, क्योंकि मेरे में कनेक्ट करके रखा उन्होंने, ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद होगा। तो उसने मुझे बोला कि आपको लाइक ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्या फॉर्म भरना है या फिर क्या कुछ पे करना है एग्जैक्टली मुझे बताओ करके। तो उसने बोला कि आप प्ले स्टोर पे हो, तो मैंने बोला हाँ, मतलब प्ले स्टोर पे जाओ एंड ये क्विक टेक ऐप है उसको आप डाउनलोड करो। तो मैं वहाँ पे गया और वो जो ऐप था बेसिकली, तो वो ऐप ऐसा था कि आप अपने फ़ोन का जो एक्सेस है यानी फ़ोन का जो यूज़ है वो किसी और के पीसी या फिर किसी और के फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे मेरा फ़ोन है, मैं अगर उसको एक्सेस दे दूंगा तो वो उसके फ़ोन से मेरा फ़ोन जो है वो ऑपरेट कर सकता है, वो जो चाहे वो मेरे फ़ोन में कर सकता है, ठीक है। वहाँ अगर वो पिन कोड वगैरह जो डिमांड करेगा तो मुझे डालना ही पड़ेगा, फिर बताना ही पड़ेगा उसको। बट वो मैंने वो ऐप का जो फोटोज़ वगैरह जो हम लोग को प्ले स्टोर के नीचे, तो वो फोटोज़ वगैरह दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है वो सब, तो उससे मुझे तो समझ गया कि ये एक्चुअली एक्सेस मांग रहा है मेरे फ़ोन का। तो मेरे को लगा कि ये फ्रॉड है करके, तो मैंने उसको बोला कि भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि पेटीएम का कुछ है करके। एंड उसने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपका खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह लगेगा। एंड तो मैंने बोला कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से रहेगा तो आप उसमें से देख लो। तो बोलता नहीं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह, और थोड़ा सा और काम रहेगा, उतना ही करना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो मैंने उसको फिर बोला कि मुझे लगा कि स्कैम है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा सा चेक करूंगा डैड के साथ एंड देन मैं आपको फिर से कॉल करूंगा करके, ठीक है। तो उसने बोला ओके, एंड देन फिर उसने थोड़ा सा और ट्राई किया कन्विंस करने का, बट फिर मैंने फ़ोन काट दिया, ठीक है ना। ये जो स्कैम है, ऑलमोस्ट मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसमें से आए कि 70% लोगों को ये जो कॉल है वो आ चुका है, मुझे नहीं आया था, फाइनली मुझे भी आ गया। मेरी बहनों को भी काफ़ी बार ये कॉल आया है, बट उनके पास ना तो कोई गूगल पे है, ना फ़ोन पे है, ना पेटीएम है, तो वो डायरेक्टली ना बोल देते हैं कि कुछ नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे फेक कॉल्स आते रहते हैं, तो आप एकदम हमेशा अवेयर रहना। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई भी अगर आपको समझो पेटीएम और गूगल पे आप यूज़ करते हो, तो अगर आपको कोई फीचर नहीं पता है तो वो आप ट्राई मत करो, ठीक है। ये लोग आपको लालच देते, जैसे कि वो स्वीट्स वाले को लालच दिया था कि 10,000 का ऑर्डर है, तो घाई घाई में उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें उनकी कर ली, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस है, जो टेक बर्नर है उसने भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाता है, बिकॉज उसके भी किसी कलीग के साथ ऐसा हुआ था। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर ऐप के बारे में नहीं अच्छे से पता है तो आप ये जो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऐप है इनको यूज़ ना करें, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है या फिर आपको क्या ऐप जो उसके फीचर्स नहीं पता है, यूज़ करना आपको अगर अच्छे से नहीं आता है, तो आप प्लीज़ वो ऐप यूज़ ना करें, बिकॉज लोग जो है वो स्कैम कर रहे हैं। एंड ये एक और ऑडियो है जो मेरे पास आया था, जो मैं वीडियो के एंड में एकदम रख दूंगा मेरे ऑडियो के बाद, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कैसे स्कैम हुआ था आप चाहिए तो वो भी सुन लेना। एंड अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर ऐसी कोई वीडियो है अगर आपके पास की, या फिर आपको वीडियो बना के भेजना है तो आप वीडियो बना के भी भेज सकते हो। अलग अलग स्कैम है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो बना के भेज दो, तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको सबको लाइक कनेक्ट करके एक वीडियो बना दूंगा, ताकि और कोई स्कैम जो है पर्टिकुलर अगर रहेगा तो बाकी लोगों को भी उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही हो और ये स्कैम आपके साथ नहीं हो। और आप प्लीज़ ध्यान रखो, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, लोगों के पास वैसे भी पैसे नहीं है, और ये कुछ लोग हैं जो ऐसा फेक कॉल्स करके और आप लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी ऐप के बारे में, आपको जो कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसका यूज़ करके ये लोग आपसे पैसे लूट रहे हैं, ठीक है। सो आप प्लीज़ ध्यान रखो। ये जो दो नंबर है, एक जो मेरे को स्कैम का लाइक पेटीएम का कॉल आया था वो, और दूसरा जो मेरे फ्रेंड को जिसने जहाँ पे कॉल किया था टिकट्स के लिए, ये दोनों नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी भी दोनों भी नंबर अभी भी वर्किंग है, मैंने ब्लॉक कर दिया है लेकिन फिर भी अभी भी वो वर्किंग है। सो प्लीज़ बी वेयर। एंड अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है कि आपका कुछ केवाईसी एक्सपायर हो गया या फिर कुछ भी लाइक ये डिटेल्स नहीं है बैंक का, ये है जो भी, अगर आपको कॉल आता है कभी भी, तो आप उसको बोलो कि ठीक है मैं देखता हूँ करके। एंड देन आप जो है वेबसाइट्स पे जाके वो जो पेटीएम है या फिर जो भी ऐप है उसका आप चाहिए तो खुद आप अप्रोच करो, जिसका कॉल आया उसको आंसर मत करो, खुद से जाके उन वेबसाइट्स पे आप जो नंबर है वो निकालो, उन नंबर पे जाके आप चाहिए तो ट्राई करो, चेक करो कि वो जेन्यून है कि नहीं, जेन्यूनली कुछ हुआ है कि नहीं। अगर आपको यकीन भी है तो भी आप सामने से आए हुए कॉल को जो है आप आंसर मत करो, ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड अगर आपके साथ ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, तो मैंने बेसिकली जैसे ये होने लगा फिर भी मेरे को थोड़ा लाइक
यकीन नहीं था तो मैंने गूगल पे आके सर्च किया। तो अब सर्च करो तो आपको बहुत लोग बता देंगे कि ऐसे ऑलरेडी स्कैम हुए, ये क्विक टेक सपोर्ट ये ऐप यूज़ होता है, वो लोग स्कैम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी स्कैम डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, ये लोग हर बार थोड़ा सा अलग अप्रोच लाइक रखते हैं। कुछ कुछ लोगों को सेम अप्रोच के साथ भी ट्राई करते, देखते जब ज़्यादा कॉमन हो जाता तो वो लोग थोड़ा सा चेंज कर देते, घुमा फिरा के फिर वो लोग वही करते। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले से ये चीज़ें पता थी कि हो रही है, इसके लिए मैं अवेयर था, तो मेरे साथ नहीं हुआ और वैसे भी शायद नहीं होता बिकॉज मुझे पता है फीचर्स क्या है उसके। बट स्टिल कुछ लोगों को नहीं पता और वो लोग फिर भी यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग एटलीस्ट खुद को एक्नॉलेज कर दो इस चीज़ से, और अगर और कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है, आपको लगता है, तो आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनके काम आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर किसी को लाइक किसी के साथ ऐसा नहीं हो बुरा और आप चाहते हो, आपको जेन्यूनली लगता है कि ऐसा हो रहा है एंड आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड। कहाँ से कॉल किया गया? हाँ जी, आपको ये फोन पे ऑफिस से कॉल किया गया है सर। बताइए। जी, फोन पे यूपीआई जो ऐप यूज कर रहे हैं सर, इसमें जो कैशबैक मिला था सर, आपने रिसीव नहीं की? हेलो, कैशबैक? हाँ हेलो हाँ, जी, हेलो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, जस्ट लेटा हुआ इसलिए। हाँ बोलिए, क्या बोलो, फोन पे से बात कर रहे हैं, कैशबैक क्या हुआ है? जी, फोन पे में सर आपको जो कैशबैक आया हुआ था सर, आपने रिसीव नहीं की, जिसकी वजह से ये कॉल किया गया है, हाँ तो वो आप बताइए। रिसीव कीजिएगा कि कंपनी को रिटर्न कर दिया जाएगा सर। कौन सा कैशबैक भैया? वो आपका यूपीआई में आया हुआ है सर। जी यूपीआई में आया हुआ है? तो मतलब कहाँ पे आया हुआ है? ऐप में होगा ना वो? हाँ, ऑलरेडी वो ऐप में आपका आया हुआ है सर। ऐप से जैसे कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, या तो अपना डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ फिर, क्या करना है उसमें, खोल के देखना है उसको। हाँ, खोल के देख लीजिए सर, अगर आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो यहाँ से ऑलरेडी बता दिया जाएगा, आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं दिखा रहा है कोई उसमें ऑफर्स में और इसमें क्या रिवॉर्ड में? रिवॉर्ड में नहीं सर, फोन पे में देखिए ऊपर में आपका बेल आइकन आ रहा है ना सर, बेल आइकन, बेल आइकन माने? हाँ बेल आइकन घंटी आ रहा है ना सर, बेल आइकन घंटी। हाँ, बेल आइकन घंटी में देखिए आपको कोई नोटिफिकेशन शो हो रहा है वहाँ पे? नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा नो नोटिफिकेशन। जी, अभी आपको नो न्यू नोटिफिकेशन बता रहे, डेटा इसी नंबर से चल रहा है कि अदर नंबर से चल रहा है? डेटा यानी नेट सर आपका इसी नंबर से चल रहा है कि दूसरे अदर नंबर से चल रहा है? नहीं, इसी नंबर पे चल रहा है। जी, तो अभी देखिए बेल आइकन में कोई नोटिफिकेशन तो हुआ वहां पे? यार रिक्वेस्टेड बाय एरॉन पे, जी आपका है ये? जी हाँ, रिसीव करने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है सर वहां पे आपको? रिसीव कहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है डिक्लाइन और पे आ रहा है। हाँ, तो वॉलेट से पे अपना अकाउंट में रिसीव कर लीजिए सर, सेंड कर लीजिए अपना अकाउंट में। बट ये तो पे बता रहा है यहाँ पे। हाँ, तो वॉलेट से आप अपना अकाउंट में पे कर रहे हैं ना सर, यहाँ से कोई अकाउंट नंबर या तो मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है कि आप दूसरे को पे कर रहे हैं जी, वो आप अपना वॉलेट से अपना अकाउंट में उसको पे अपना अकाउंट में सेंड कीजिए सर। इसको यहाँ से मैं अकाउंट में इसको सेंड करूँ? जी ये तो मेरे अकाउंट से कटने वाला पैसा दिखा रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। सॉरी सर, वो आपका अकाउंट से कैसे कटेगा सर? आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर या तो अकाउंट नंबर डालते हैं तभी आपका पेमेंट होता है, ठीक है ना, पेमेंट करते हैं। यहाँ से तो इस तरह से आपको कुछ दिया नहीं गया है सर, आपको जो कैशबैक आया हुआ है फोन पे में वो आप डायरेक्ट वॉलेट से अपना अकाउंट में सेंड कर रहे हैं सर। सेंड करने के बाद तो ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर भी वहाँ पे शो हो रहा है आपका, वहाँ आपको डेबिट और एक क्रेडिट आएगा, तो आपको क्रेडिट करना है सर, ऑलरेडी आपको क्रेडिट का ऑप्शन भी वहाँ पे आपको आएगा। देख भाई, एक बात बताऊँ तेरे को, जी तूने जब मेरे को फर्स्ट कॉल किया ना, तेरा कॉल उठाते ही मैं जानता हूँ कि तू स्कैमर है, ठीक है? जी तेरा कॉल उठाते ही मैं समझ गया बना रहा है, ठीक है? जी देखो, हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ अभी, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई वाला हूँ, समझा? मुंबई वाले के बारे में इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम दोना सर तू हमको बना रहा है सुबह सुबह, समझा दोस्त? तेरा कॉल बिगनिंग से रिकॉर्डिंग पे है, मैं जानता हूँ तेरे को। हाँ। लॉकडाउन है, ये रेगुलर कर रहा है कि लोगों को डेली बना रहा है लॉकडाउन में, क्या है सीन? हंस रहा है? अरे अरे, हंसने के बात ही बोल रहा है यार, बोलू नहीं फिर?
तुम लोग 2-2 हज़ार रुपये करके, अबे अब तक तो लोग कॉल करके एटीएम डेबिट का पूछ रहे हो तुम। अब भैया जो पेटीएम और ये फोन पे भी चालू हो गए अब तुम, कि भाई फोन पे है तो भाई भेज रहा हूँ। मुझे क्या लगता है रे, इतने पागल है क्या लोग कि तू भेज रहा है ऐसे, और उसमें से मैं तेरे को जाके उसमें पे करूँ, पासवर्ड डालूँ और वो पेमेंट तेरे इसमें डाल दें। तेरे को किसने बोला है कि रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता पेमेंट पे तू, पेमेंट पे करने का? हम लोग क्या नए आए हुए हैं क्या, गाँव से आए हुए क्या हम लोग तेरे जैसे, कि तू बता रहा और मैं चढ़ जाऊँ करके? तू गांव से नहीं, तू क्या बोलता है, वो जंगल अबे से आया हुआ है। तेरी ना भाषा से समझ में आ रहा है भैये, या तो तू भैया है कहीं का या तो बिहार का, सामने आ जाएगा ना तब तेरे को समझ में आएगा, समझा? अरे तो भाई तेरे जैसे 10 डेली घूमते हैं, सब तेरा रिकॉर्डिंग पे, इतना याद रखना। पूरा साला सुन मेरा बात सुन, पूरा मुंबई महाराष्ट्र का पुलिस पकड़ने में लगा, उखाड़ नहीं पाया, तो तू कौन सा खेत का बैंगन है? ये बात बोला तूने, बट तू याद मान, तेरा वो एरॉन प्ले का मैं डिटेल डाल सकता हूँ, तेरे को मालूम नहीं अभी? अरे भाई तू एरॉन पे उसको ब्लॉक करा देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा एरॉन पे कितना साला है पता नहीं। ये बात कमा लेता, अच्छा कमा लेता महीने का? अरे बहुत यार, क्या बात कर रहे है? हाँ हकीकत बोल रहे है, क्या भाई लॉकडाउन में छुट्टी पड़ी है लोगों की, तू कमा ले रहा है बोल रहा है? अरे भाई देखो एक बात मैं बता रहा है, ठीक है, जो जो गरीब होता है ना उसका अकाउंट में मैक्सिमम उसमें कम से कम 10-15 हज़ार के करीब होता है, ठीक है ना। जो अमीर आदमी, जो बड़ा आदमी बिजनेसमैन होता है, उसका अकाउंट में तो इतना कम नहीं रहता है, उसका अकाउंट में तो मैक्सिमम कम से कम 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक होता है, मालूम है? तो तुम ये कैसे पता करते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है? सिर्फ कॉल करो, तुमको तो पैसे से मतलब है? पैसा से मतलब नहीं होता, उसका तो पूरा बायोडाटा निकलता है ना। अबे तुम लोग को ये डेटा, हमारा नंबर कहाँ से मिलता है यार, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आता है। देखो भाई जो जो फोन पे यूज करता है या तो कुछ यूज करता है, ऐप कोई भी यूज करता है ना फोन पे में, फोन पे में करता है या पेटीएम में, गूगल पे में, तो उसका डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जामतारा से तो नहीं बोल रहा है? मूवी देखा? हाँ हाँ देखा ना यार, मूवी रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, नहीं वेब सीरीज है ना वो तो। हाँ हाँ हाँ, तो वहां से तो नहीं बोल रहा तू? ये वहीं से। क्या बात कर रहा है, सब दिमाग सब वहीं से चल रहे हैं पूरा? हाँ सब हम ही लोग यूज करते क्या। वेब सीरीज तो जबरदस्त देखा यार, वहां से तो पूरा एकदम धड़ल्ले से बिजनेस हो रहा है ये सब का। हाँ ये सब तो हो रहा है, पर कमा लेता है वाकई में, महीने कमा लेता 50,000 लाख रुपए कर लेता, सेटिंग हो जाती है? हाँ 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 हो जाती है। क्या बात कर रहा है वे, या लोगों की जॉब जा रही तो पैसे वैसे पे वैसे कमाया जा रहा है, क्या करेंगे, यही तो सीख लिए हैं। नहीं बढ़िया है, लेकिन यार देख के करो, कोई बड़े को करना है अभी, मैं तो ये बोल, ये देख ओवरऑल ये तो गलत ही है करना। हाँ ये तो नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या करें जब उतर गए हैं तो। लेकिन मान ले अगर कोई अच्छा पुलिस वाले को फोन लगा दिया तब क्या करेगा, होता होगा ना? नहीं नहीं, नहीं, नहीं पुलिस वाला को भी मारे हैं। पुलिस वाले को भी मारे हैं? हाँ कितने की? एक पुलिस वाले की मारे थे 40,000 और एक पुलिस वाले की मारे थे 1.5 लाख। अरे बाप, तुमने पीछे नहीं पड़े? अरे क्या पीछे पड़ेगा, वो बोला साला पुलिस वाला का पैसा मार लिया। कमाल है भाई। सीएम का पैसा निकला था वो, तो पेपर में तो आया होगा ना, ये सीएम अरमित कौर जो हरियाणा का सीएम था ना, उसका भी तो पैसा निकला ना। ओके, वहां के भी सब सब कुछ पूरा जामतारा से हो रहा है? हाँ यही से हैकिंग होता है पूरा पूरा इंडिया का इधर भी। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है लॉकडाउन के टाइम पे ना ये कॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यार, क्यों ऐसा है? हाँ अभी लॉकडाउन में तो बढ़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को आया, मुझे आया फेक कॉल। अभी क्या है ना यार, तुम लोग ने इतना कॉल कर दिया ना, ये जब नया नया था ना फर्स्ट टाइम, तो हम लोग ऐसे लोग भी शायद ना कुछ लोग चू बन जाते थे, तुम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी क्या है ना, इतने कॉल हो गए ना, जैसे कि हमारे जैसे जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि कोई ना कोई वहाँ पे है जो दे रहा है उल्टा सीधा ये। तो ये हाँ, तो मतलब आपका नंबर पे, इस नंबर पे पहले कॉल आया था ये? ऐसे बहुत कॉल आते हैं, ये पहली बार नहीं है, लास्ट 3 महीने में कम से कम 7-8 बार कॉल आ चुके हैं। किस चीज के बारे में आया था इसमें? हाँ किस बारे में आया था इस नंबर पे कॉल? बहुत सारे नंबर को लेके, मेरे बैंकिंग को लेके आता है, मेरे फोन पे को लेके आता है, तो मेरे को पहले ही पता है। और देख अपन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कोई मेरे को ऐसा बोल रहा है पेमेंट करने के लिए और मैं इतना पागल हूँ कि मेरे को मैं उसको उठाऊं और पेमेंट कर दूं, रिवॉर्ड आया, ऐसा कुछ होता नहीं है।
कभी कोई फोन पे गूगल पे किसी को ऐसा रिवॉर्ड देता नहीं है। नहीं, फोन पे से इस तरह से कॉल आया था इस नंबर पे आपको कभी? बिल्कुल आया था ना। इस नंबर पे आया था ना। अब नाम नहीं बताएगा अपना कम से कम। हाँ बताएगा। हेलो। हाँ नाम नहीं बताएगा अपना। हेलो। हाँ एक मिनट घर है, एक बात बात करो, एक और से बात करें। वह घर से ही ऑपरेट कर रहा है क्या? हम्म, घर से ही ऑपरेट कर रहा है? नहीं, क्या घर से ऑपरेट नहीं कर रहा। 180 टका वाला कुपनवा होन सके। वो देख पीछे से चिल्ला रहा है, कहाँ से? यूपी से, बिहार से? जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड से। बढ़िया है, चल फिर बात करते हैं। बट ऐसा मत कर, मैं तो ये बोलूंगा यार, किसकी क्या मजबूरी है लॉकडाउन में, और तो उसके ऐसी बजा देगा तो अच्छा नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो बजाते नहीं है, क्योंकि जैसे यूपीआई पिन डाल रहा है तो उसका बायो डाटा हमारे पास होता है, तो अपना हिसाब से ही करते हैं। और तुम लोग नए नए आईडी क्रिएट भी कर लेते तुरंत ना, फेक से। हाँ, उसका पूरा ऑथेंटिकेशन भी नहीं है। हाँ हाँ, पूरा आईडी उसका हैक कर लेते हैं हम लोग। वो तो कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग जो एरॉन पे के नाम से मेरे को भेजा है अभी, हाँ, तो ये सब तुरंत कैसे बना लेता है? उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन फोन पे कुछ क्रॉस चेक नहीं करता कि वेदर यूजर वैलिड है कि नहीं है, जिसका बना रहा है, जिसके अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है जैसे कि ऐसे ट्रांसफर किए पेमेंट वगैरह करते रहते हैं तो उतना तो थोड़ी आता है। मतलब ये जैसे कि एरॉन पे से नोटिफिकेशन किए तो इसमें जो पेमेंट आया इसे कोई दूसरा वॉलेट में सेंड किए, उससे फिर दूसरा वॉलेट में सेंड किए, चार पांच वॉलेट में सेंड करते करके डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। बढ़िया है, बढ़िया है भाई। चलो ठीक है, मैं तो हलाल नहीं हुआ, तो देखते से किसी को और क्या कर सकता है तू। ठीक ठीक है, चल चल चल, ठीक है, थैंक यू। ये जो स्कैम है ये पुलिस के साथ भी हुआ है, तो अगर ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी पुलिस या को हायर ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच रही है, तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि कुछ करो इसके बारे में, एटलीस्ट ये चीज़ें तो देखो, ताकि मतलब कुछ लाइक मासूम लोगों का जो पैसा है कमाया हुआ मेहनत से वो वेस्ट नहीं हो। बिकॉज उसने एक वीडियो में, एक ऑडियो में क्लेम किया है कि उसने पुलिस वालों को भी लूटा है, ठीक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते, और उसने किया है ऐसा, बताओ पुलिस वालों से लोग डरते नहीं है ऐसा वो बोल रहा है। तो अगर किसी के पास ये वीडियो पहुँच रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग एंड फाइंड देम आउट, अगर पॉसिबल है तो ढूंढो, निकालो और बंद करो ये सब, ठीक है। थैंक यू।